हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज राजमा बनाने जा रहे हैं। जैसे ये देखिए, मैंने बॉईल करके पहले से ही रखा है राजमा। ये हमारा मसाला है, इस पर दालचीनी और तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, सारा ही गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला डाल के पीसा गया है। जैसे मैंने कुकर रख दिया है, बस इस मसाले में सारा ही कुछ पड़ा, धनिया वगैरह सब कुछ, धनिया हल्दी सब पड़ी हुई है, मिर्ची, देखिए ये हमारा प्याज कटा हुआ रखा है, ये अलग से प्याज काट के रखा है, मसाला भी जो पड़ा है वो अलग है। अब बस इसमें हम तेल डालते हैं, तेल को गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। तेल गर्म होते हैं, हमारे यहाँ आपको पता है मिर्ची नहीं काटते हैं, तो मिर्ची डाल कर पहले ही निकाल लेते हैं। उसके बाद इस पर जीरा डाल के भून लेते हैं। इसको गैस डालेंगे, प्याज गैस डाल के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं, इसको थोड़ा सा चला देंगे। ये देखिए जैसा हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, जिसको ऐड करेंगे वो जो हमारा पेस्ट रख सकते हैं, प्याज खड़ा गरम मसाले का पेस्ट रखा था वो डाला गया है। अब इस पर डालेंगे गाइस सांभर मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा इस पर सांभर मसाला, अब थोड़ा सा इसको चला देंगे। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे गाइस कलर बहुत अच्छा आता है। अब स्वाद अनुसार नमक, इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मसाले से तेल ना निकलने लगे गैस, तब तक इसको पकाएंगे। ये देखिए गैस हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया है। अब इस पर ऐड करेंगे हम राजमे, राजमा डाल कर गैस थोड़ी देर चला देंगे। राजमा डाल के थोड़ा सा चला दिया है गैस, अब अच्छे से बहुत अच्छे से गैस सारा मसाला वगैरह सब मिक्स कर देंगे। ये देखिए गैस हमारा मसाला मिक्स हो गया है। गैस इस पर डालेंगे पानी, पानी अपने राजमे के हिसाब से देख सकते हैं, आपको ज़्यादा तरह का चाहिए या मतलब मीडियम चाहिए, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। सॉरी गैस लाइट चली गई, लाइट की वजह से कम दिख रहा होगा। तब इसमें एक दो सीटी और लगवा देते हैं, जो थोड़ा बहुत कसर रह गया होगा ना पकने में, अच्छे से पक जाएगा। ये गैस देखिए हमारे राजमा चावल।